नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं पंजाब में, पिछली बार भी आए थे, ये दोनों भाई अपने को मिले थे। ये अपने को आज ये जन्म मंदिर है वो वहाँ लेके आए, क्या है इसमें ऐसा खास क्या है इसमें? लवकुश का जन्मभूमि है, थोड़ा जोर से बोलो। ये लवकुश का जन्मभूमि है जहाँ सीता माता ने लवकुश को जन्म दिया था और अपना घोड़ा बांधा था और हनुमान जी का सबसे बड़ा मूर्ति है जहाँ 250 फुट का, 250 फुट हाँ सबसे बड़ा मूर्ति है। ये लवकुश का तीर्थ स्थान है, राम तीर्थ बोलते हैं। और ये चालू कब होता है, बंद कब होता है, इसका टाइमिंग क्या है? बंद नहीं होता है, बंद 24 चालू रहता है, 24 घंटे चालू रहता है। तीन जगह लंगर रहता है, दो जगह अंदर है, एक जगह बाहर है। बाहर कहाँ है? इस साइड पे, ये साइड पे बाहर है। और अंदर दो जगह पे, दो जगह अंदर, जो दो जगह पे अंदर है और बाहर भी एक जगह पे। दोस्तों इन्होंने अपने को यहाँ डायरेक्टली लाया है, हम एक जगह आर्मी कैंट में रुके थे तो यहाँ उन्होंने हमको वहाँ से उठाया और यहाँ पे लेके आए। हम अभी अंदर जाके देखेंगे क्या है ऐसा खास इसमें, चलो। अंदर जा रहे मंदिर अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर भगवान श्री राम की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाएगा। इस युद्ध का जिक्र महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण ने किया था। मान्यता है कि वाल्मीकि द्वारा 24,000 घंटों वाली रामायण जिस जगह पर लिखी गई वह अमृतसर में है, जहां वर्तमान में श्री राम तीर्थ मंदिर बना हुआ है। लवकुश के जन्म से जुड़ी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। श्री राम तीर्थ मंदिर भगवान राम को समर्पित है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम है और एक कुटी थी, इसीलिए इसे वाल्मीकि तीर्थ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ वाल्मीकि जी की 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा स्थापित की गई है। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा माता सीता का परित्याग करने के बाद वाल्मीकि जी ने सीता जी को इसी जगह पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था तब इसी स्थान पर लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी से युद्ध भी किया था। इस मंदिर के पास ही एक सरोवर है जिसे बहुत ही पावन माना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर को हनुमान जी ने खोद कर बनाया गया था। इस सरोवर की परिधि 3 किलोमीटर है। सरोवर में नहाने के बाद भक्त इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं। यह प्राचीन बावड़ी भी है। माना जाता है कि सीता माता यहाँ स्नान किया करती थी।
इस बाबरी में स्नान कर महिलाएं संतान पाने की प्रार्थना करती है। लगता है चार दिवसीय मेला मंदिर के पास ही प्राचीन श्री रामचंद्र मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर, महर्षि वाल्मीकि जी का दूना, सीता जी की कुटिया, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, सीताराम मिलाप मंदिर जैसी खास धार्मिक जगह है जो रामायण की याद दिलाते हैं। लोग इस मंदिर में आकर ईंटों के छोटे छोटे घर बनाकर मन्नत मांगते हैं कि हमें अपने स्वयं के घर की प्राप्ति हो। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन श्री राम तीर्थ मंदिर में 4 दिनों के वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, उत्तरी भारत के पंजाब राज्य में अमृतसर से 11 किलोमीटर दूर अमृतसर चोगावा रोड पर प्राचीन व ऐतिहासिक धार्मिक स्थल श्री राम तीर्थ मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। न केवल इस मंदिर का अपितु इस पावन स्थली का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और एक कुटिया स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था, तत्पश्चात ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें इसी स्थान पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था। तब माता सीता ने यहाँ इस कुटिया में ही निवास किया था। इसी कारण इस स्थान को माता सीता की आश्रय स्थल भी कहा जाता है। यहीं पर श्री राम के पुत्रों लव और कुश ने जन्म लिया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी यहाँ की थी। यहाँ आश्रम में उन्होंने लव और कुश को शस्त्र की शिक्षा दी थी। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, तब इसी स्थान पर लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और अपने पिता श्री राम के साथ युद्ध किया था। इस मंदिर के समीप ही एक सरोवर है जिसे बहुत पावन माना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर को हनुमान जी ने खोद कर बनाया गया था। पुरानी कथाओं के अनुसार इस स्थान पर माता सीता धरती की गोद में समा गई थी। दूर दूर से श्रद्धालु और साधु संत यहाँ स्नान करते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। सरोवर के चारों ओर 30 फीट चौड़ा पथ बना हुआ है। सरोवर में स्नान करने के पश्चात भक्त इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक प्राचीन बावली भी है। माना जाता है कि सीता माता यहाँ स्नान किया करती थी। इसे माता सीता दी बावली कहा जाता है। इस बावली में स्नान कर निसंतान महिला संतान प्राप्त की प्रार्थना करती हैं। श्री दुर्गियानाथ तीर्थ परिसर स्थित बड़ा हनुमान मंदिर रामायण युग का माना जाता है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी की बैठी अवस्था में प्रतिमा है, अर्थात यह मूर्ति स्वयंभू अस्तित्व है। दिगे पाटील का ये पुढे काय अजून पाहण्यासारखं आता बघतो ना पुढे अजून मला काय आयडिया नाही सांगितलं पूर्वीचं हे जुनं मंदिर आहे काय म्हणत होते 700 वर्षापूर्वीचं जुनं मंदिर आहे एकदम खूप नगर
कहा जाता है कि जब लव और कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर उसकी सत्ता को ललकारा था, तो यहीं पर उसका सामना हनुमान जी से हुआ था। दोनों बच्चों के तेज और साहस को देखकर श्री हनुमान जी समझ गए थे कि यह बच्चे श्री राम जी के ही है। जब लव कुश ने उन्हें बांधना चाहा, तो वह स्वयं ही एक बड़े वट वृक्ष के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए लव कुश के हाथों खुद को बंधवा लिए थे। कारण पवन स्वरूप श्री हनुमान जी को किसी बंधन में बांधना तो असंभव था। कहते हैं जिस वटवृक्ष से उन्हें बांधा गया था, वह आज भी श्री दुर्गियाना तीर्थ के श्री बड़ा हनुमान मंदिर में सुशोभित है। इस मंदिर में आश्विन मास के नवरात्र में छोटे बच्चों को लंगूर बनाने की परंपरा है। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। लव कुश से युद्ध के पश्चात भगवान श्री राम जी ने स्वयं आकर हनुमान जी को बंधन मुक्त किया था। उन्होंने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि जिस तरह इस जगह उसका अपनी संतान से मिलन हुआ है, उसी तरह यहाँ आकर जो प्राणी हनुमान जी से संतान प्राप्ति की याचना करेगा, उसे संतान अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा वरदान दिया कि जिस तरह इस जगह उसका अपनी संतान से मिलन हुआ है, उसी तरह यहाँ आकर जो प्राणी हनुमान जी से संतान प्राप्ति की याचना करेगा, उन्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाहत लेकर बड़ी संख्या में दंपति यहाँ आते हैं और पुत्र होने पर उसे लंगूर बनाने का वादा करके जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। जिस जगह यह मंदिर बनाया गया है, उसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी ने इस जगह पर बने हुए कुएं से जल पिया था। इस मान्यता को देखते हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर अशलनीय जी महाराज ने वर्ष 1995 में इस श्रीराम बालाजी धाम का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में श्री बालाजी का दरबार सुशोभित है। इसके अलावा माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है, जहां पर पिंडी स्वरूप मां के दर्शन होते हैं। श्री अमरनाथ की गुफा की तरह बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। यहां श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर 525 किलो का लड्डू बनवाया जाता है।
आई तो कल ही ले बघा आपण किती लक्ष आपण चौघच आहे फक्त आपल्याला गुफातून जायला भेटत